आखिर ठीक है वो भूतकाल हो गया, आप दृष्टि भविष्य पे क्यों नहीं रख सकते हो? तो संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस बात से, और उन्होंने कहा एक वोट एक वैल्यू, वोट भी एक उसकी वैल्यू भी एक, उसी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है, आप अनपढ़ आदमियों को, गरीब आदमियों को, महिलाओं को, ग्रामीणों को मताधिकार दे करके तो देखो, आने वाले समय में जब लोकतंत्र का पर्व होगा, मताधिकार का दिवस होगा, तो ये लोग जैसे होली मनाते हैं, जैसे दिवाली मनाते हैं, ऐसे इस पर्व को मनाएंगे। अब ये घूंघट में महिला थी सर, यहाँ आपकी आप ही के बूथ पर, उन्होंने ये कहा कि 5 साल कोई आए। अर्जुन राम मेघवाल यहां अपनी बात रखते हुए वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए, तो ये अलग अलग तस्वीरें वीआईपीस की हम आपको दिखा रहे हैं और आम और खास यहां देखने को मिले हैं। देखिए दिया कुमारी भी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं, ऑडियो दीजिएगा थोड़ा। मतदान मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, बिल्कुल मतदान किया है, मैं सभी को कहना चाहूंगी आप सब मतदान कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साल में मतलब 5 साल में एक बार ये मौका आता है, अपने मत का प्रयोग करें, ये आपका अधिकार है, सबको जाकर वोट करना चाहिए, प्लीज वोट। बिल्कुल बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे, जैसा वो झूठ बोलते आए हैं 5 साल में वैसे ही अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा कुछ नहीं बोली दिया कुमारी, दो बात कही, एक तो यह कि मतदान जरूर करें और दूसरी बात यह कि सरकार रिपीट होने का दावा कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल सही नहीं है और बीजेपी की सरकार आने वाली, तो सबके दावे अपने अपने तरीके से, लेकिन अच्छी बात यह आम हो या सभी आ रहे हैं सुबह सुबह मतदान तादाद में है। राजधानी जयपुर के शार्दुल जी की नाल स्थित मतदान केंद्र में इस वक्त मतदान जो है वो चल रहा है और यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मतदान को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है। और जब बड़े लोग, ये कह सकते हैं कि जो लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मतदान करते हैं तो उनसे एक मैसेज जाता है लोगों के बीच में कि किस तरीके से मतदान जो है वो किया जाए और मतदान को लेकर के वो प्रेरित भी करते हैं लोगों को। तस्वीर दिखाएंगे सहयोगी अविनाश के, दिया कुमारी अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विद्याधर नगर की ओर रवाना हो रही है, जहां पर वो मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगी, लोगों से मिलेंगी, अपने इलाके के लोगों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी और जानेंगी वहां पर के विद्याधर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मतदान है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है और मतदान को लेकर के लोग जो हैं उनका रेस्पॉन्स किस तरीके से। लवली बधवा यहां पर दिया कुमारी अपने चुनाव क्षेत्र में अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी हैं, अब जहां पर वो वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं, वहां जो जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, अब वहां का हाल जानने के लिए पहुंचे, तो लवली वाधवा वहां से लाइव जानकारी देते हुए और कुछ तस्वीरें और लगातार हम यहां पर दिखा रहे हैं। लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ पहले सांसद का चुनाव लड़ाया गया, फिर सीट को बदला गया, सवाई माधोपुर से राजसमंद भेजा गया और राजसमंद के रास्ते उन्हें जयपुर में विधानसभा की उम्मीदवारी के लिए जो है वो मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर लबलुआब यही है कि दिया कुमारी जो है वो मतदान करने पहुंची है, उन्होंने मतदान किया है, पूरे प्रदेश के लोगों से उन्होंने मतदान की अपील की है कि लोग अपने सारे कामकाज को छोड़ करके जो है वो मतदान की ओर प्रेरित हों और जितना ज़्यादा हो सके उतना मतदान वो करें ताकि एक सकारात्मक मैसेज जा सके और मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके। जी तो चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लखवीर सिंह शेखावत आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से मतदान केंद्र पर किस जगह मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखानी होंगी। लखवीर का ऑडियो नहीं आ रहा हमको। इस वक्त मैं जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ क्षेत्र में मौजूद हूं, जो कि सुदूर ग्रामीण इलाका है, सुदूर पहाड़ी इलाका है। यहां पर सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और जो यहां के ग्रामीण जन है वो मतदान के लिए पहुंच गए हैं। कुछ बुजुर्ग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे।
सुबह सुबह की तस्वीर देखी हमने, आप वोट डालने आए, किस प्रकार का उत्साह है? हमारा उत्साह नंबर वन है, हमारे गांव का प्रगति के लिए पक्ष विपक्ष का कोई खेल नहीं है, जो विकास करेगा नंबर वन उसका सब वोटिंग पड़ेगा गांव में। गांव अति सुंदर है, नंबर वन है, हम श्री राम मोरी वाले मंदिर से हम आए हैं और सब स्टाफ सब सुबह सुबह आकर वोट डाला है आपने, मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं ग्रामीण इलाके में वो देर तक वोट डालने आते हैं। मैसेज वो डालना है, इंडिविजुअल सबको ही वोट डालना है, सबको इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को वोट डालना है, जिसकी वजह से सबका कल्याण हो, आनंद हो, अरे नंबर वन काम हो राजस्थान सरकार का। और हम कोई पक्ष में नहीं है, न बीजेपी में, न कांग्रेस पार्टी में, होना भी यही चाहिए। आज मतदान हो रहा है तो किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेंगे, आप बताइए आपने वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं? हमारे सड़क पानी इनका मुद्दा है, यहाँ हमारे बिल्कुल गांव में बिल्कुल रोडें खराब हो रही है, सड़कें खराब हो रही है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, लाइनें खराब हो रही है, कहीं लीकेज है, हर तरह की परेशानी, विकास हुआ। तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए आपका वोट ही सबसे बड़ी ताकत है, वोट डाला है। ऐसे में जो लोग अब तक नहीं आए हैं उनको आने के लिए क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं जो वोट डालने आए हैं लोग? उनको ये कहना चाहते हैं कि विकास के लिए वोट देवे और सही मतदान करे, सही व्यक्ति को चुने, जब ये विकास होगा। बिल्कुल सही व्यक्ति को चुने, कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए सुबह सुबह वोट डालने आए हैं वो आप अपने कामकाज में जुटेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज वोट देने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है आज से नया विकास के लिए आज से दिन स्टार्ट हो जाएगा, 3 तारीख को एकदम से फास्टली काम होगा। 3 तारीख रिजल्ट आने के बाद में आज मैंने वोट देकर के ये महसूस किया कि आज वोट डालने के बाद ऐसा हो रहा है कि आज नया दिन स्टार्ट हो गया है, आज बिल्कुल 100% नया दिन स्टार्ट हो चुका है। तो नया दिन स्टार्ट हो चुका है, सुबह सुबह वोट डालने आए हैं, उन तमाम युवाओं से क्या अपील? समाज ध्यान में रखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रगति है, जो प्रगतिशील पार्टी है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है, उन मुद्दों को लेकर ध्यान में रखेगी, और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसके विपरीत है जो कांग्रेस की शासन कुशासन है 5 साल से राजस्थान में, आप न्यूज में आपको पता है क्या क्या हुआ है इन 5 सालों में, तो ये दोनों बातों को मुद्दे ध्यान में रखते हुए लोग वोट करेंगे। आपकी जो सीट है सर, प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, स्पीकर हैं पीसी जोशी, आपके प्रतिद्वंदी हैं, कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है आपके लिए? कैंपेन तो हो चुका है, अब सिर्फ वोटिंग है, तो चुनौती की क्या बात है। मैं तो सबको कहता हूँ जहाँ श्रीनाथ जी है, जहाँ हल्दीघाटी है, तो सोचना ही है। राजस्थान अपने रिवायत को रिपीट करने वाला है या फिर कांग्रेस की सरकार रिवायत टूटेगी इस बार? बीच भारतीय जनता बीजेपी को फेयर मेजोरिटी तो आएगी, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? पहले एक श्रेय तो जाएंगे बीजेपी के पॉलिसीज के, बीजेपी के जो शासन चल रही है दिल्ली में, बीजेपी के लीडरशिप और बीजेपी के कैंडिडेट्स, बीजेपी के वर्कर्स और द वोटर्स वोटर्स को। आप सब लोग साथ लगिए और मिलकर अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का भाव है, और सब जनता साथ जुड़ेगी भी, और एक बहुत अच्छा परिणाम आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा भी। कांग्रेस लगातार आक्रामक कर रही है आप लोगों पर, लगातार बयानबाजी करती है। कांग्रेस तो देखो झूठ की दुकान है, वो खाली स्क्रीन पर आकर ही वहीं तक उसकी राजनीति है, जनता के बीच में उसके कोई जाने का या पहुंचने का कोई जुड़ाव नहीं है। झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना, क्योंकि भ्रम फैलाने की पुरानी आदत रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस को तो इस बार राजस्थान में मुक्की बहुत ज़बरदस्त तरीके से खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनता का शोषण कांग्रेस शासन में हुआ है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ में दुराचार है, अनेकों घटनाएँ किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में, इन सभी दृष्टि से देखेंगे तो कांग्रेस आज धरातल पे कहीं भी नहीं है, और जनता के अंदर बहुत रोष है कांग्रेस के प्रति। हाँ, कृपा है बाबा की और लोगों का सहयोग है भाई, चले वहीं चले।